हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डेवलपमेंट, और हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यू। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि 100% स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में। आपको पता है फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएंगे हमारे, और एमसीक्यू में बहुत अच्छा स्कोर करने का एक सिंपल सा तरीका, जो भी चैप्टर आ रहे हैं ना आपके फर्स्ट टर्म में, उसके 50-60 एमसीक्यू कर लो। अगर आपने 50-60 एमसीक्यू कर लिए, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशन में, मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखो, एक एमसीक्यू से भी 4-5 एमसीक्यू बन जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तभी आपको ये बात समझ आ जाएगी मेरे कहने का मतलब क्या है। तो इसीलिए 50-60 एमसीक्यू कर लिए तो वो खुद ही 100-150 बन जाएंगे, और एग्जाम में आप बहुत प्यार से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एमसीक्यू की एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो पक्की बात है आपके फुल मार्क्स आने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा है कि एमसीक्यू की सीरीज करेंगे। अभी तक हिस्ट्री के चैप्टर अपलोड कर दिया मैंने, ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक्स भी और सिविक्स के भी चैप्टर अपलोडेड है एमसीक्यू। ठीक है, फिर भी आपको देखो ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ जाना है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट डायरेक्टली आपको एमसीक्यू पे नहीं आना, आपको चैप्टर समझना है फिर एमसीक्यू पे आना है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो चलो जी शुरू कर देते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज इज नोन एज। मतलब ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें हम क्या करें कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रेजेंट लोगों के लिए भी मतलब यूज़ करें, और साथ ही में फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखें कि उनको भी रिसोर्सेज मिलता रहे, इसको हम क्या कहते हैं। इस टेस्ट को मतलब इसे है ना ऐसा टेस्ट लेना। ठीक है, वैसे मैं इसके आंसर भी आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा, बट जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना तो वीडियो पॉज करना, आंसर करने का ट्राई करना। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट में लाइन लगा देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि जी एफर्ट मार रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़िया एफर्ट मार रहे हैं, 50 के 50 क्वेश्चन का वो आंसर करते हैं, और वो बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा करना। ठीक है, चलो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लान्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी देखा जाए, और फ्यूचर जनरेशन को भी देखा जाए, और प्रेजेंट की भी जो नीड है उनको पूरा करा जाए, तो उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको बता दूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, एनवायरमेंट को भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो बन गए ना 2 एमसीक्यू। यहाँ पर अगर एनवायरनमेंट लिखा होता तब भी इसका जो होता वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है तो बात हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डैश मतलब हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं कि एक जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, पुअर लोगों को फूड प्रोवाइड कर रही है लो प्राइस पे, लोअर कॉस्ट पे, बाय मतलब कैसे प्रोवाइड कर रही है, बाय राशन शॉप, जो आपको पता है राशन कार्ड से जो मिलता है ना वो राशन शॉप वगैरह होती है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स BMI, PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम, या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये बड़ा सिंपल है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। हमारी गवर्नमेंट जो ये राशन वगैरह प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को, है ना, लोअर कॉस्ट पे, तो इस चीज़ को कहते हैं हम जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें चावल और आटा वगैरह, आटा नहीं गेहूं वगैरह, बहुत कम प्राइस पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द एवरेज इनकम इज़ नोन एज, एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है, ए कैपिटल इनकम, बी PDS, सी पब्लिक पर कैपिटल इनकम, या डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता हो कि जो हमारा एवरेज इनकम है उसको पर कैपिटल इनकम भी कहा जाता है। और अगर आपको पता है कि पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला क्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा आगे, बट आई होप आपको ये पता हो। ओके, तो इससे 2 क्वेश्चन बन गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि BMI स्टैंड फॉर, BMI का मतलब क्या होता है, ए बिल्डिंग मास इंडेक्स, बी बॉडी मास इंडेक्स, सी बॉडी मैन इंडेक्स, या डी बिल्ड मैन इंडेक्स। तो इसका आंसर आई होप आपको पता हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है जी बॉडी मास इंडेक्स, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, आप है ना अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करते जाना, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आप ये देखते जाना कि आपके आउट ऑफ जो भी हैं उसमें से कितने मार्क्स आए हैं, ये बिल्कुल एंड में कमेंट करके जाना। ठीक है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक फैसिलिटी, इनमें से कौन सा पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, या अगर इसको थोड़ा और अच्छे से कर दूं मैं क्वेश्चन को तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में से कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये नहीं हो सकता। बी रोड एंड ब्रिजेस गवर्नमेंट बनाती है, ये भी नहीं हो सकता। सी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल जो है वो किसके अंडर आते हैं, प्राइवेट अथॉरिटी के अंदर आते हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है जी सी। बाकी अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो भी क्या है, वो एक पब्लिक फैसिलिटी ही है। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल लिखा होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल आंसर होता। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ऑप्शन के अंदर से एलिमिनेट करना है जो गलत है। कभी कभार क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर आंसर नहीं पता होता डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो पहले जो गलत आंसर है उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। ठीक है, और एमसीक्यू की एक खास बात बताता हूँ, कभी भी एमसीक्यू छोड़ के मत आओ, चाहे आंसर ना पता हो, ए बी सी डी कुछ भी आंख बंद करके लिख कर आ जाओ अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी मैं आपको ट्रिक बता ही चुका हूँ कि क्वेश्चन रीड करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, फिर तुक्का लगाओ। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करोगे तो हो ही नहीं सकता एम का एमसीक्यू गलत हो, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपके एमसीक्यू गलत हो, और यही अच्छी चीज़ है एमसीक्यू में। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या समझे आप इससे, कि आपको क्या करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना है। तो इसमें देखो प्राइवेट स्कूल लिखा है, अगर ये आप यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल होता, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट चीज़ होती तो वो पब्लिक के अंदर नहीं आती, पब्लिक फैसिलिटी के अंदर नहीं आती। बेसिकली पब्लिक फैसिलिटी वो होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आता है, जो हम टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो गवर्नमेंट उसी से हमें फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, द गुड वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कंपेयरिंग देयर डैश, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक नया तरीका यूज़ किया गया है देशों को कंपेयर करने के लिए, तो वो क्या है, ए हमारा मनी पावर, बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सी ग्रॉस नेशनल इनकम, या डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको। वैसे इसका आंसर है बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखकर ही अब मेजर किया जाता है। कुछ कुछ होते हैं जो वर्ल्ड बैंक का जो पर कैपिटा इनकम वाला जो क्राइटेरिया यूज़ करते थे, बट उसमें कुछ दिक्कत है, आई होप वो आपको बताओ, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर आपने चैप्टर कवर नहीं किया तो चैप्टर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विद हैंड रिटन नोट्स से आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, के फुल फॉर्म बतानी है SED की। पहला ही क्वेश्चन ये था हमारा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको पता ही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR पब्लिश बाय UNDP, UNDP की फुल फॉर्म बताना आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में, कंपेयर द कंट्री बेस्ड ऑन द लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस एंड डैश, नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल, पर कैपिटा इनकम, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता ही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये नहीं लिखा जाता ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि जी 100 स्कूल हैं प्राइवेट तो ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं करा जाता, तो ए तो नहीं हो सकता। अब अगर ए नहीं है तो सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए एंड बी बोथ लिखा है, तो सी भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज तो डी भी नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, एक आपने किया नो तो बाकी तीनों खुद ही हो गए, तो आपको पता चल गया जी इसका आंसर है बी, पर कैपिटा इनकम जो होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करने में, और उसका एक क्राइटेरिया होता है ये। ठीक है, चलो, UNDP की फुल फॉर्म बताना आप नीचे, वैसे मैं आगे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड, डेवलपमेंट क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आती है, इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, बड़ा सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, IMR की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो IMR की फुल फॉर्म भी आई होप आपको पता हो, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, या इन्फेंट मोर्टैलिटी रेशो, रेशो नहीं है वैसे, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ही कर, ये सॉरी इंडियन कर दिया मैंने इसको, ये इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को हम कहते हैं IMR। बेसिकली IMR आपको पता है ना कि पर ईयर 1000 में से, 1000 के प्रपोर्शन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक साल कंप्लीट होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। इसको रेशो भी कह सकते हो, ज़रूरी नहीं है अगर मैंने यहाँ पर रेट लिख दिया तो रेट, या इन्फेंट मोर्टैलिटी रेशो भी हो सकता है और रेट भी हो सकता है, वैसे रेशो ही है एक तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, एक बंदा है जो एक लेबर है, ठीक है, और उसके पास ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर है वो, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, हाई प्राइस ऑफ क्रॉप, मोर डेज ऑफ वर्क, चीप लेबर,
या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पहली बात तो देखो, बहुत सारे बच्चे मार्क करेंगे ए, बट इसका आंसर ए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लैंडलेस लेबर है, उसकी खुद की ज़मीन ही नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन खुद का कैसे होगा? तो उसको क्या मतलब कि प्राइस हाई हो में बिके या लेस में बिके, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो उसको काम मिलता रहे, क्योंकि वो लैंडलेस है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसको बस काम मिल जाए। एग्रीकल्चर के अलावा और भी कहीं काम कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे काम मिलता रहे। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, एलियन, सेम पीपल या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एलियन मैंने खुद ऐड किया। वैसे इसका आंसर आपको पता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, तो इसका डिफरेंट पीपल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग हरियाणा, केरला और बिहार में से किसका पर कैपिटा इनकम जो है, आपको पता ही है बिहार का कम है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि बिहार हैज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल आर अर्निंग लेस इन केरला, महाराष्ट्र हैज़ मोर नंबर ऑफ रिच पीपल या पुअर पीपल, बात एक ही है। ऑन एन एवरेज पीपल इन बिहार हैज़ लो इनकम। ठीक है, देखो इन तीनों का पहली बात तो इतना कुछ पहली बात तो अगर इनकम कम है तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा, तो ये नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर केरला के बारे में बोला गया है कि लेस अर्निंग है, ऐसा नहीं है। केरला में भी बिहार से अच्छी एवरेज इनकम है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो वो रिच भी हो सकता है, बट यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं पूछा, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर हरियाणा, केरला और बिहार की बात करी गई है। तो इसका है डी, एवरेज इनकम के हिसाब से जो बिहार है वो थोड़ा सा कम एवरेज इनकम है। एक दिक्कत वहाँ पर ये भी है कि बिहार की अगर आप देखो ना, पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी वजह से है। वैसे तो वहाँ पर भी इनकम लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है, बस क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो इनकम थोड़ी सी लो होती है। ये आपको पता चलेगा अगर आपने 9th क्लास पढ़ी होगी, तो ये थोड़ा सा याद होगा आपको कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री इज काउंटेड इन विच करेंसी। ये तो पता ही होगा आपको, डॉलर, डॉलर में नापा जाता है। आपको अगर क्राइटेरिया याद है जो वर्ल्ड बैंक ने बताया था, तो नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम, जब हम टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री को डिवाइड कर देते हैं उसकी पॉपुलेशन से, तो क्या निकलता है? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, एवरेज इनकम या टोटल इनकम? तो ये आपको पता ही है कि जब हम एक कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं उसकी पॉपुलेशन से, या नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं उसकी पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकलता है। बट पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड फर्स्ट एंड सी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सी है? नहीं जी, फर्स्ट एंड सी नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इसका आंसर फिर होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम होगा, बट इसमें फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं, तो इसका नन ऑफ दीज करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला इज़ हायर देन दैट ऑफ, किससे ज़्यादा है? बिहार से ज़्यादा है, पंजाब की तो बहुत ज़्यादा है, केरला से भी ज़्यादा है पंजाब की, और हरियाणा की और गुजरात की भी ज़्यादा है, बट जो बिहार की है वो थोड़ी सी कम है, केरला के मुकाबले कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ केरला इज़ हायर देन दैट ऑफ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम हाइड्स, पर कैपिटा इनकम किस चीज़ को हाइड कर देता है? डिस्पैरिटी, एवरेज इनकम, टोटल पॉपुलेशन या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है जी डिस्पैरिटी। ठीक है, अगर आपने मेरी चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज़ करता है उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि वो डिस्पैरिटी छुप जाती है। ठीक है, जैसे मान लो एक एरिया के अंदर अगर एक बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरा 100 रुपए कमा रहा है, और दूसरी कंट्री के अंदर भी दो बंदे हैं, दोनों 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि पहली कंट्री जो है उसमें ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, बट ऐसा नहीं है। एक बंदा तो बिल्कुल ही 10 रुपये कमा रहा है, बहुत कम कमा रहा है, बल्कि दूसरी कंट्री में कम से कम दोनों अपना खर्चा तो चला रहे हैं, तो इसीलिए ये डिस्पैरिटी छुपा देता है पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर ये बात जो मैंने अभी समझाई आपको डिस्पैरिटी वाली वो नहीं समझाई हुई तो चैप्टर की वीडियो जाकर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इज कॉल्ड, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो बच्चों की होती है, अब कितने साल की बच्चों की बात करी गई है, या फिर को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो स्कूल जाते हैं टोटल पॉपुलेशन में से जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो वो किस चीज़ का रेशो है? तो वो रेशो है जी नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है, NAR भी कहा जाता है इसको। और किस एज ग्रुप की बात की गई है, चलो मैं बता ही देता हूँ। पहले तो UNDP के फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो ऊपर छुड़वाया था। और इसका आंसर चलो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने एज ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। डेवलपमेंट और अ कंट्री कैन बी जनरली डिटरमाइंड बाय इट्स, आपको पता ही है, पर कैपिटा इनकम।
ठीक है, जनरली जो है वो पर कैपिटा इनकम देख के ही कंट्री को डिवाइड किया जाता है। बट अगर हम मॉडर्न वे में देखें और ज़्यादा सही देखें तरीका, तो HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट डेवलपमेंट डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट अ फेयर एंड द जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड इंटरप्ट द कॉन्सेप्ट बींग डिस्कस्ड हेयर। तो यहाँ पर किस चीज़ के डेवलपमेंट की बात हो रही है? यहाँ पर देखो, कंट्री का डेवलपमेंट लिखा है ना, कि कंट्री का डेवलपमेंट लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको पता है इसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कंट्री विद हायर इनकम आर डैश देन अदर विद लेस इनकम। मतलब जो हायर इनकम की कंट्री होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है, ये माना जाता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका की अगर देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारे से ज़्यादा, इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए उससे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ये तो आपको पता है क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं जी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आपको पता हो, इसका आंसर है जी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब अगर यहाँ पर एवरेज इनकम भी लिखा होता, वैसे हो ही नहीं सकता कि दो ऑप्शन सही हो, यहाँ पर कैपिटा इनकम की जगह एवरेज इनकम भी लिखा सकता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव द एज ग्रुप इज कॉल्ड। मतलब 7 या 7 साल से ज़्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट कहते हैं। मतलब हम मानते हैं कि वो लिटरेट है। ठीक है, तो जब हम 7 या 7 से ज़्यादा की एज ग्रुप की जब लिटरेसी चेक करते हैं तो हम देखते हैं वो लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट निकलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर 25 वाला क्वेश्चन अगर नेट पर सर्च करोगे ना, कहीं कहीं आपको 6 to 10 मिलेगा, कहीं आपको 7 to 11 मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या, पहले सुन लो कि जब नेट अटेंडेंस रेशो निकालते हैं तो हम किस एज ग्रुप के चिल्ड्रन को कंसीडर करते हैं? तो मैं बता दूं, आंसर है इसका 14 to 15। क्यों सर इसका आंसर 14 to 15 क्यों है? क्योंकि बुक में लिखा है 14 to 15। आपको आंख बंद करके अपनी NCERT को फॉलो करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी अगर आप नेट पर सर्च करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट आपको ब्लाइंडली आपकी बुक को फॉलो करना है, NCERT को फॉलो करना है। ओके, कि आप अगर, क्योंकि अगर मान लो कभी एग्ज़ाम में रीचेकिंग होती है ना, शायद आपको ना पता हो, रीचेकिंग होती है, तो आप किसी सप्लीमेंट का रेफरेंस नहीं दिखा सकते। आपको अगर रेफरेंस, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेफरेंस दिखाना भी होता है, तो आप अपनी NCERT का ही रेफरेंस दिखा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे ऐसे दिखाने का सीन होता नहीं है, बट फिर भी रेफरेंस जो है वो बुक के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग ही आपका चेक होता है। ठीक है, आंसर की और क्वेश्चन की वहीं से बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स द वेट ऑफ अ पर्सन इज डिवाइडेड बाय, मतलब जब बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, BMI निकालते हैं, तो एक पर्सन का वेट जो होता है किससे डिवाइड होता है? हाइट स्क्वायर ऑफ अ वेट इन मीटर्स, या स्क्वायर ऑफ अ हाइट्स इन मीटर, या स्क्वायर रूट ऑफ अ हाइट मीटर्स, या स्क्वायर ऑफ अ सम ऑफ अ हाइट एंड वेट। इसका आंसर बहुत सिंपल है, और आई होप आपको पूरा फॉर्मूला याद हो कि BMI कैसे निकालते हैं। अगर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है ना, तो वेट को जो kg में होगा उसको डिवाइड किया जाता है हाइट्स इन मीटर के स्क्वायर से। ठीक है, चलो जैसे बता देता हूँ, मेरा वेट अगर मान लो 60 kg है, उसको डिवाइड किया जाएगा मेरी हाइट से। मेरी हाइट मान लो इन सेंटीमीटर है, चलो 1.7 कर लेते हैं, 1.7 मीटर्स है मेरी हाइट, तो 1.7 मीटर्स का स्क्वायर। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 1.7 का स्क्वायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि 18.5 से जिसका BMI कम हो उसको क्या किया कहा जाता है? ओवरवेट, लॉन्ग हाइट, अंडर नरिश या शॉर्ट हाइट। तो उसको अंडर नरिश माना जाता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो कुपोषित माना जाता है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जो 1/3 है ना हमारा वाटर, वो ग्राउंड वाटर, वो ओवर यूज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की, के रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्ट आफ्टर द ईयर्स ऑफ यूज। मतलब जो रिसोर्सेज एक टाइम में आने पर ख़त्म हो जाते हैं,
यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल रिसोर्स कुछ नहीं होता, या कंप्लीटिंग रिसोर्स भी कुछ नहीं होता, रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल जिसको बार बार यूज़ मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, कभी ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, सारे के सारे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, एक बार कोल जो है, पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम ख़त्म हो सकता है। और कहा जाता है कि जो क्रूड ऑयल है वो 43 सालों तक है, बट एक के उसके बाद अरब कंट्रीज़ में भी वो ख़त्म होने लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस लेबर। जो लैंडलेस लेबर होते हैं ना, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, उनका जो डेवलपमेंट गोल होता है वो क्या होता है। ऊपर ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन चेंज है बस। एक्सपेंशन ऑफ द रूरल बैंकिंग, मोर डेज ऑफ वर्क एंड द बेटर वेजेस, मेटल रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल। देखो, पहली बात तो उसको कोई मतलब नहीं बैंक से, उसको काम ही नहीं मिल रहा। दूसरी बात है, चाहे रोड मेटल की हो, मेटल रोड क्या होता है, जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रोड होती है ना, एक तो कच्ची सड़कें होती है और एक मेटल रोड। मेटल रोड का मतलब ऐसे नहीं जिसमें मेटल हो, ठीक है, जो हमारी उसकी होती है ना, मतलब डाम्बर कहते हैं उसको, है ना, तो उससे जो बनी हुई रोड होती है उसको मेटल रोड कहते हैं, जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जो मतलब हमारे बारिश के रेनी सीज़न में भी वॉश आउट नहीं होती, जो सही होती है हमारी रोड, तो उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं, उसको तो काम ही नहीं मिल रहा, वो रोड का क्या करेगा, बने ना बने कच्ची सड़कें से भी वो काम चला लेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल उसके बच्चे के लिए अच्छा है, ठीक है, बट हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बस इतना चाहता है कि उसको ज़्यादा दिनों तक काम मिल जाए और बेटर वेजेस मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट विल द एस्पिरेशन ऑफ द एडुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। जो एक पढ़ा लिखा अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ होता है ना, उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा, क्या उसकी एस्पिरेशन होगी। तो उसकी यही एस्पिरेशन होगी कि उसको जॉब मिल जाए, ठीक है, और ऐसी जॉब मिले जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यूज़ कर पाए। तो इसका आंसर है सी, ध्यान से सुनना, ये इसका आंसर है सी, और कुछ मार्क करके मत आ जाना। एन एडुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ विल एस्पायर अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़रूरी थोड़ा ना एग्रीकल्चर में, तो ए नहीं हो सकता। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे ताकि वो आगे बढ़ सके, ये भी नहीं चाहिए उनको। गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, उनको जॉब मिल जाए जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यूज़ करे, ठीक है, और बेटर मतलब लीजर टाइम को यूज़ करने के लिए बेटर फैसिलिटी मिल पाए, ये भी नहीं चाहिए उनको। बस वो चाहिए कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए जॉब में, जहाँ पर वो अपनी उसका यूज़ कर पाए क्वालिफिकेशन का और एडुकेशन क्वालिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एवरेज इनकम जो है उसके मामले में कौन सी लाइन सही लिखी हुई है। तो एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज, मैं ना ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, पर आपको ऑप्शन सारे रीड करने हैं जब आप एमसीक्यू का आंसर करो, ठीक है। चलो जी, तो इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के विच कंट्री कैन बी कंसीडर एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम डेवलप्ड कंट्री किसे मानते हैं, ये बात आपको पता है कि वो कंट्री जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हो कंट्री का हाई हो, हाईएस्ट हो, उसी को हम मानते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, उसी को डेवलप कंट्री के क्राइटेरिया में रखा जाता है, ठीक है। वेल्थ से और उससे इतना, फ्यूचर ऑफ द सिटीजन उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सारी आ जाती है, वेल्थ भी आ जाती है, लिटरेसी भी आ जाती है, हेल्थ स्टेटस भी आ जाता है, तो सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसलिए इसका आंसर है बी, ठीक है। बाकी में देखो सिर्फ पैसे की बात हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है जी ईरान की, ईरान से हमें ऐसे कोई डायरेक्ट कोई लेना देना है नहीं कि ईरान जो है वो डेवलप कंट्री है या नहीं है, रिच कंट्री है या नहीं, इससे नहीं पूछा, यहाँ पर क्राइटेरिया पूछा है। तो क्राइटेरिया जो है वो डेवलप कंट्री के लिए तो यही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सही माना जाता है किसी भी कंट्री की देखने के लिए, मतलब कि वो डेवलप है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के पैसा जो है वो हर चीज़ नहीं खरीद सकता, ठीक है। पैसा कैन नॉट बाय, सॉरी मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू हैव अ गुड लाइफ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हमारी अच्छे जीवन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। इसका आंसर है पहला तो ए, यानी सॉरी फर्स्ट यानी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आप प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शस डिजीजेस आप नहीं खरीद सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते दूसरों को नोट दिखा के जी हमको इन्फेक्शस यानी कोरोना वगैरह से बचा, ऐसा नहीं हो सकता, पैसे ये नहीं खरीद सकता। दूसरी चीज़ है जी पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, दिल्ली वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास कितने भी पैसे हो आप एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं परचेज कर सकते। तो इसका आंसर है ए, ये फर्स्ट वाला, और डी, तो फर्स्ट एंड डी ये रहा,
तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, पूरी स्कूलिंग की, नेशनल इनकम, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें कंसीडर करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें अगर पर कैपिटा इनकम लिखा होता तो वो भी देखता, हेल्थ स्टेटस लिखा होता तो वो भी आता, तो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका क्या रीज़न है। पहला कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर ट्रेंड इन प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, ऑल दी लिखा है, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी ट्रेंड होती है, ये भी सही बात नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्स इन केरला, ये ठीक हो सकता है, बट मेरी बात सुनना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिकॉज द केरल हैज़ हाई लेवल, हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी आर अवेलेबल बोथ फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब पढ़ते हैं डी पहले तो, और गुड क्लाइमेटिकल कंडीशन। तो पहली बात तो क्लाइमेट का कोई लेना देना है नहीं, तो डी हटा दो। फर्स्ट का ट्रेंड का जो हमने देखा ज़रूरी है, ट्रेनिंग वगैरह सारी लड़कियों को दी जाती है, तो ए भी हटा दो, बचा बी एंड सी। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर आपको। देखो, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो केरला के अंदर नर्स है, ये बात सही है, ठीक है, बट और भी स्टेट में जो फीमेल्स होती हैं वो नर्स होती हैं, ठीक है, बट वहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अगर हम देखें बिहार में, अगर बिहार के में भी लड़कियों को बहुत सपोर्ट अगर कर किया जाता है तो वहाँ पर भी देखो बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो नर्सेज बन सकती हैं, बट क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता वहाँ पर, और गवर्नमेंट थोड़ा स्कूल वगैरह को, सॉरी स्कूल कह रहा हूँ, हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी को अच्छा नहीं करती या नहीं कर पा रही, ठीक है, स्टेप वगैरह नहीं ले रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि नर्स की जो है वो नंबर ज़्यादा है तो इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये नहीं है। बाकी हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नर्स के आने से ये ऐसा नहीं होता कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्या कोई मशीन हो गई या कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, या दवाइयाँ वगैरह अलग अलग टाइप की हो गई, तो इसलिए इसमें सी आएगा, और भी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मैटर करती है। समझ गए ना आप दोस्त, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग रिसोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स एंड नाउ, मतलब 50 ईयर्स अभी से और बाद में भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉमिसिंग रिसोर्स है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है पेट्रोलियम एनर्जी, कोल बेस्ड एनर्जी, फॉरेस्ट वगैरह, और सोलार एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता ही है सोलार एनर्जी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो प्रॉमिसिंग है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, चलता रहता है, सोलार एनर्जी ख़त्म थोड़ी ना हो सकती है, सूरज ऐसे थोड़ना कि निकलना ही बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले तो डी को छोड़ते हैं, अभी सी पढ़ते हैं। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेंथ ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड की लेंथ, इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितनी हाइट है बच्चे की, यहाँ वैसे हाइट लिखना चाहिए था मेरे को, हाइट मैटर नहीं करती बच्चे की, उससे क्या पता चलेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो सी नहीं हो सकता। अगर सी नहीं है तो अब बी पढ़ लेते हैं कि द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ नहीं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम देखा जाता है कि जी वो कितना एक्सपेक्टेड जी सकता है, तो उसी को कहते हैं जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ओके जी, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, लिटरेसी, क्राइम रेट एटसेट्रा। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, सिंपल, ये आपको पता ही है, चैप्टर जब पढ़ाया था पहली डेफिनेशन यही करवाई थी मैंने आपको। नेक्स्ट है कि डैश इंडिकेट द नंबर ऑफ द ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। तो इसका आंसर पता ही आपको, जब हम बर्थ के टाइम देखते हैं कि वो बच्चा कितना जिएगा तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, इसको लॉन्गिविटी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर लॉन्गिविटी लिखा हो हमारे ऑप्शंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि डेवलपमेंट दैट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पहला क्वेश्चन याद है ना आपको, मैंने आपको बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये भी देखा जाता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे और करंट जो हमारी जनरेशन है वो भी रिसोर्सेज को यूज़ करती रहे, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि डैश मीन अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम दैट प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट अनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सिंपल है डेवलपमेंट। ये भी डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, बस आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे तो बस थोड़ी सी चेंज कर दी है, ठीक है। बात वही है, रिडक्शन इन पॉवर्टी और लिटरेसी रेट। मैंने इसलिए वीडियो फॉर्मूला में बनाया ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ अदर देन इनकम, इनकम में इनकम के अलावा कौन सी दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। कार एंड हाउस, नहीं। बाइक एंड लग्जरी, नहीं। बैड वेदर एंड बाइक, नहीं। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है इनकम के अलावा, ठीक है। आज आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन है, ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज़ है, चाइना बनाने में लगा हुआ अलग अलग डिजीज़ है ना। तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजीज़ इसकी जगह अगर मान लो ऑप्शन में नहीं होता ये, ठीक है, इसकी जगह लिखा होता कि डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट, तो वो भी हो सकता था। और बाकी रिस्पेक्ट तो ज़रूरी है ही पैसे कमाने के लिए। ऐसा कोई काम जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट ना मिले, पैसे मिले, तो आप पसंद नहीं करोगे वहाँ पर काम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं यार, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर यहाँ पर MCQ की लगातार सीरीज़ बना रहा हूं, तो वो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। डैश एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल कॉमोडिटी लाइक वीट, राइस, शुगर, ठीक है, एडिबल ऑयल, केरोसिन एटसेट्रा टू द कंज्यूमर थ्रू द नेटवर्क ऑफ द आउटलेट्स एट अ फेयर प्राइस शॉप। राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। अब जैसे ही मैंने राशन शॉप बोला होगा, आप समझ ही गए होंगे कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल कॉमोडिटी, खाने की चीज़ें जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर, केरोसिन ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सारा का सारा अवेल कराती है कंज्यूमर को बहुत कम प्राइजेस पे बाय राशन शॉप्स, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि द लेवल ऑफ द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी इज लो इन डैश कंट्रीज, मतलब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो होती है लो होती है इन कंट्रीज़ में। किन कंट्रीज़ में? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्री में, रिच कंट्री में, या HDI कंट्री में? तो इसका आंसर है जी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है इस ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर डेवलपिंग ही है जो थोड़ा सा हमें कम दिख रहा है, बाकी देखो डेवलप है, रिच है, तो यहाँ पर हमें एफिशिएंसी थोड़ी कम नहीं देखने के लिए मिलती, बट डेवलपिंग में थोड़ी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं कि केरला के अंदर डैश है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, हाई है, लो है, रिच है, ओल्ड है? तो इसका आंसर आपको पता है कि केरला के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो है, ठीक है। अच्छा, बार बार HDI आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है। एक बात मैं और बता दूं, मैंने HDI का क्वेश्चन नहीं डाला यहाँ पर, क्यों नहीं डाला मैं बताता हूँ आपको। HDI जो है वो हर साल चेंज होता रहता है, आपको पता है, मतलब HDI की इंडेक्स आती है तो रैंक करती है वो कंट्री को, ठीक है। तो आप देखना कि हमारा करंट HDI कितना है, ठीक है, और फिर बताना, और वो आपको याद रखना है। और वैसे तो 2-3 साल का याद रखना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर बने तो उसी साल का देखा जाए। तो 2016 से याद रखना, 16, 17, 18, 19, 20, इनका याद रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ अ वेरिएबल ऑफ ह्यूमन डैश इंडेक्स, क्या ह्यूमन नेशनल इनकम, ह्यूमन नेशनल इंडेक्स, ह्यूमन सस्टेनेबल इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या ह्यूमन ओल्ड इंडेक्स? तो आपको पता ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि फार्मूला ऑफ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या है। हाइट इन मीटर्स डिवाइड बाय हमारा वेट इन kg, 100 डिवाइड बाय द वेट इन kg, वेट इन kg डिवाइड बाय द मीटर यानी हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, या वेट वेन यू बॉर्न, मतलब आपका वेट जब आप पैदा हुए, डिवाइड बाय योर करंट हाइट। तो इसका आंसर जो है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स का तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। और अपना बॉडी मास इंडेक्स भी बताना कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही है, आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। आपको दे देंगे कि जिसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा ये बताओ, इसकी वेट हाइट दे देंगे, ठीक है, वो चाहे सेंटीमीटर में दे हाइट, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर्स में, या आपको वेट दे देगा और हाइट दे देगा कि जी बताओ कि क्या होगा इसका बॉडी मास इंडेक्स, या ये पूछा जाएगा कि वो अंडर नरिश्ड है, ओवर वेट है, ठीक है, या वो हेल्दी रेंज में आता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, और इकोनॉमिक्स में तो न्यूमेरिकल के चांस भी हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 पे कि विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। किस स्टेट का जो वो होता है ना लिटरेसी रेट वो सबसे ज़्यादा कम होता है, पंजाब का, बिहार का, केरला का, तमिलनाडु का। तो इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो कम लिटरेसी रेट है वो हमारे बिहार का है। ठीक है, अगर हमारे पंजाब का देखिए, केरला का देखिए, तमिलनाडु का देखिए, तो वो थोड़ा सा ऊपर है हमारे बिहार के मुकाबले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट लाइकली टू बी डेवलप्ड डेवलपमेंट गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबर, यानी एक जो लैंडलेस रूरल लेबरर होता है उसके लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा। हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस, ठीक है, उस वो लैंडलेस है, उसके पास ज़मीन ही नहीं है, तो खेती का प्राइस कम मिले ज़्यादा मिले उसको क्या फ़र्क पड़ता है। हाई लिटरेसी रेट, इतना कोई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका डेवलपमेंट गोल नहीं है। रेज्ड वेजेस यानी उसको ज़्यादा इनकम मिले, हाँ ये है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना यार। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ेंगे। हम अभी 68,000 है, कभी ये 168,000 भी होगा। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे थे जो पहले टेंथ में थे, अब जो 11th में आ चुके हैं, उन्होंने वो यहाँ तक लेकर आए हैं, और आई होप कि आप जो वो और सपोर्ट करो, सीधा 68 से 168 पे जाएं हम। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी है, मेन पॉइंट टेक जो है वो अर्निंग से रिलेटेड है, स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है ये वगैरह, मेन पॉइंट गेमिंग है, कभी खेलना हो तो आ जाना। ठीक है, पढ़ाई करके ही आना। दूसरी बात है कि अगर थोड़ा फैक्ट वाला चैनल भी बनाया, जैसे आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नोट है वो किस कंट्री का है, और हमारी जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो पैसे है। ठीक है, इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप देती, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म में समझाया था ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाओ। ठीक है, आपको चीज़ें भी समझ आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुकिश हर चीज़ आप, अगर ऐसा नहीं, ये मत समझना कि आपने सिर्फ अपना सिलेबस ख़त्म कर रखा है तो अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा अचीव कर पाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ेगी और भी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पढ़ाई के चक्कर में बाकी एक्चुअल चीज़ें भूल जाते हैं, तो थोड़ी दूसरी बाहर की नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।